A West Bengal Assembly leader of opposition Suvendu Adhikari has taken a jibe at the Trinamool Congress over weapons found in Sandeshkali. He has said the weapons are foreign and used in anti-terror activities. He pointed out that the weapons found are used by terrorists and demanded to declare TMC as a terrorist organization. He also said Mamata Banerjee is fully responsible for this incident and he demanded the CM be arrested. So, Suvendu Adhikari reacting to this crackdown by the CBI and the recovery of weapons by the CBI team yesterday. So, Suvendu Adhikari taking a jibe at TMC and TMC chief. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, the BJP is targeting Mamata Banerjee after the recovery of weapons yesterday. एक्चुअली देखिए जिस तरीके से वेपन्स और बॉम्ब बरामद हुआ है संदेशखाली में सर्वरिया एरिया से उसके बाद ही पॉलिटिक्स चालू हो गया है इसके ऊपर बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से शेख शाहजहां को छुपाने का कोशिश किया गया था वैसा ही इस ये जो पूरा जिस तरीके से बॉम्ब गोला बारूद ये मौजूद था इसको भी छुपाने का काम टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है और टीएमसी नाकाम है कि बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये बाहर से आने इंपोर्ट किया गया पिस्तौल गोली ये सब बरामद किया गया है उसको उसको देखकर लगता है कि बहुत सारे प्लानिंग चल रहा था मगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनके पास कोई खबर नहीं था पुलिस कोई काम नहीं कर रहा था पुलिस के मदद से ये सब हो रहा था ऐसा भी बीजेपी का दावा है यानी ममता बनर्जी के खिलाफ में फिर से एक बार संदेशकाल इसको सामने रखते हुए बीजेपी ने दावा बोला और बीजेपी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है ममता बनर्जी को इस घटना के बाद जल्द से जल्द रिजाइन करना चाहिए ममता बनर्जी खुद पुलिस मंत्री होने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिया गया ऐसा भी बीजेपी का कहना है दूसरी तरफ अगर टीएमसी की तरफ से देखा जाए तो टीएमसी की तरफ से भी इस बात का जवाब दिया गया है टीएमसी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये घटना बीजेपी एक सजा के बोल रहा है बीजेपी की तरफ से ये घटना को छोटा घटना को बड़ा करने का रूप देने वाला है बीजेपी ऐसा टीएमसी का दावा है और टीएमसी का ये भी कहना है कि इस तरीके का रिकवर हुआ है उसने उसके कारण से एनएसजी कमांडो को इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं था और ये बीजेपी की तरफ से किया गया तैयार किया गया घटना है ऐसा टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल हिट द बेल आइकन